आज की मेरी रेसिपी है एक्जॉटिक चिकन। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये एक एक्जॉटिक डिश है। ये जब आपके घर वाले और मेहमान खाएंगे तो उनको साधारण और एक्जॉटिक डिश के स्वाद का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्जॉटिक चिकन बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन और आधा छोटा चम्मच नमक डालकर 5 मिनट तक भून लें, जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन पक गया है, अब इसे निकाल देते हैं। अब उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डालें, 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लें। अब इसमें 1 प्याज लंबाई में कटा हुआ, 1 कटोरी मशरूम बड़े टुकड़ों में कटे हुए, 1 कटोरी जुकुनी मीडियम टुकड़ों में कटी हुई, आधा लाल शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, आधा हरा शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, आधा पीला शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, 3 बेबी कॉर्न मीडियम टुकड़ों में कटे हुए, 1 कटोरी ब्रोकली मीडियम टुकड़ों में कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 टमाटर मीडियम टुकड़ों में कटा हुआ डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बाल्सामिक विनेगर डालकर 5 मिनट तक सौते करें। अब इसमें सौते किया हुआ चिकन डालकर अच्छे से मिला लें और 5 मिनट तक और पकने दें। हेल्दी डिलीशियस एक्जॉटिक चिकन सर्व करने के लिए तैयार है।